हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं दिख रही है ना कोई मंजिलें मेरे बारे में सोचने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ आमना बीबी को और किसी को नहीं मुझे कोई शौक नहीं है आपके लिए यहाँ सारी रात बैठने का वो तो अमीना भी यहाँ बैठी हुई थी तो मैं उनके पास आ गई और मुझे क्या पता था कि आप यूँ अचानक आ जाएंगे मुझे लगता है आपके सीने में दिल धड़कता ही नहीं है अगर दिल धड़कता तो किसी के लिए एहसास जरूर होता ये कौन सी कॉलेज फ्रेंड है जो रात के इस पहर तुमसे बात करती है और कौन सी तस्वीरों के बारे में तुम बात कर रही थी वो एक्चुअली अबू मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है वो हॉस्पिटल में है उसको रात को नींद नहीं आ रही थी ना तो उसने मुझे फोन कर लिया हासिया जल्दी से नाश्ता बनाओ खयाम को आज जल्दी ऑफिस जाना है जी अमीना भी मैं नाश्ता बना के उनके रूम में ले जाती हूँ सबीन सुबह से दिखाई नहीं दे रही कहीं गई है क्या अमीना भी अपने कमरे में सो रही होंगी अरे नहीं वो तो रोज जल्दी उठ जाती है कैसे सो रही थी आप कहती हैं तो मैं उनको उठा देती हूँ नहीं नहीं तुम नाश्ता बनाओ मैं खुद जाके देती हूँ खयाम के कमरे में दिया अच्छा ठीक है अमीना भी मतिया मतिया उठो यार मुझे सोने दो मेरी हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है मतिया उठो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है क्या है सारी रात तो तुम्हारे मोबाइल की रोशनी मुझे सोने नहीं देती अब तुम्हें मुझे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है राफी से बात नहीं हो रही तुम्हारी जो मुझसे बात करनी है मतिया तुम्हें पता है राफी की वजह से तो कल मैं बाल बाल बच गई राफी की वजह से वो कैसे हाँ वो अबू की आंख कल अचानक खुल गई और उन्होंने मुझे बात करते हुए देख लिया राफिस से क्या मगर तुम फिक्र ना करो मैंने बात संभाल ली थी मैं पता है ना मदिया कि अभी मैं राफे के बारे में किसी को बताना नहीं चाह रही और तुम्हें तो ये भी पता है कि अबू अम्मी से भी ज्यादा जज्बाती हैं उन्हें फिर फौरन ही शादी की लग जाएगी ठीक कह रही हो मलिहा अबू को राफे के बारे में नहीं पता चलना चाहिए तुम्हें भी इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी उससे अच्छा मुझे सोने दो प्लीज अरे रात तुम सोने नहीं देती सुबह भी उठा देती हो क्या होगा कुछ शक ना हो गया सबीन बेटा अभी तक सो रही हो क्या नहीं अमीना भी मैं तो कब से उठ गई थी वो बस कमरे में थी बाहर आने का दिल नहीं कर रहा था क्यों क्या हुआ भाई हमसे भी नाराजगी होगी क्या नहीं अमीना भी आपसे भला मैं क्यों नाराज होंगी वो बस श्याम भाई के सामने नहीं आना चाहती मैं बल्कि उन्हीं के जाने का इंतजार कर रही थी कि वो ऑफिस जाए तो मैं बाहर आऊँ खयाम के गुस्से की वजह से परेशान है अमीना भी कल दो बार मुझसे खयाम भाई का नुकसान हुआ है और एक दफा तो आपने मुझे बचा लिया लेकिन दूसरी दफा उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया हालांकि नुकसान इतना बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सुनाई मैं खयाम भाई को कभी माफ नहीं करूंगी और उनके सामने भी कभी नहीं आऊंगी क्योंकि जब भी मैं उनके सामने आती हूँ मुझसे कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है
बेटा ये सब तुम्हारे अंदर एतमाद की कमी को जाहिर करता है। हालात से लड़ना सीखो, इस तरह खुद को बंद करके बैठ जाओगी तो मुश्किलात का सामना नहीं कर पाओगी। फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाह क्या रहे। भाई दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं और यही उम्र है कि उनको खुशी खुशी उनके अपने घर भेजा जाए। नासरा को हर वक्त फोन करती रहती थी। भाई अब नासरा से नहीं कहोगी तो अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा तुम्हें? सुबह सुबह मेरा मूड खराब नहीं कर। और मदिया मलिया के लिए क्या अच्छा है, मैं अच्छी तरह जानती हूं। मदिया और मलिया मेरी बेटियां भी हैं, मुझे हर वक्त उनकी फिक्र रहती है। एक वो वक्त था तुम नासरा को हर वक्त उनके रिश्ते के लिए फोन करती थी, अब क्या हो गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ। आपके लिए अच्छा है कि आप अपनी समझ को ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये बार बार आप मलिया मदिया के रिश्ते के बारे में मुझसे बात मत किया करें। आपने अपना हक अच्छे से अदा करना था ना, आप कर चुके। शुक्र है महारानी साहिबा के कदम बाहर निकल आए कमरे से, वरना मैं तो समझ रही थी आज मैं भूखी मर जाऊंगी। मम्मी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सब समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हें। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ ताकि कोई काम ना करना पड़े, है ना? नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं सुबह आपके कमरे में आई थी नाश्ता लेके, लेकिन आप सो रही थी तभी मैं चली गई। मैं आपकी नींद नहीं खराब करना चाहती थी। ओ, अच्छा मेरे सोने जागने पे भी तुम्हारी नजर है। ये मैं तुम्हारी मर्जी से उठूं और तुम्हारी मर्जी से सो, लगता है कि तुम खुर्रम से अपना रिश्ता नहीं रखना चाहती। अभी मैं खुर्रम को फोन करती हूँ, तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बताती हूँ तुम्हें, ताकि वो जल्द से जल्द तलाक भिजवाए। नहीं मम्मी आप प्लीज खुर्रम को कुछ मत बताइएगा, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, आपके सारे काम करूंगी। मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ आपको, आप प्लीज खुर्रम को कुछ मत बताइएगा। ज़बान तो तुम्हारी बड़ी पटर 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 चलती है, अगर इसी तरह तुम्हारे हाथ भी चले ना तो फिर ठीक। जाओ जाके नाश्ता बना के लाओ मेरे लिए। दिमाग खराब कर दिया। अलीहा चलो भी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो मलिहा। चलो चलो। अरे कहाँ जाने की तैयारी है भाई? अम्मी सिर्फ हम अकेले ही नहीं, आप भी हमारे साथ जा रही हैं। कहाँ? अम्मी शॉपिंग पर जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे। किसी की बर्थडे और शॉपिंग इन्हें करनी? अरे ऐसी फजूल खर्ची क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा कितनी मुश्किल से पैसे जमा करते। मैंने तुमसे कहा था ना कि अम्मी को मत बताना, फिर अम्मी इसी तरह बातें करेगी, उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे, कल उसकी पार्टी और मैं वहाँ ये पुराने कपड़े नहीं पहन के जाऊंगी, मुझे नया ड्रेस चाहिए। और मैं आपसे थोड़ी पैसे मांग रही हूँ, मैं अपनी पॉकेट मनी से ले रही हूँ, आपको सिर्फ साथ चलने के लिए कह रही हूँ। मदिया क्या हो गया, नाराज ना हो, अम्मी ने कोई मना थोड़ी किया जाने के लिए, और अम्मी को पता है कि हम उनके बगैर कहीं नहीं जाते। अम्मी आप जाएं जल्दी से तैयार हो जाएं, आप हमारे साथ जाएंगी। क्या करती हैं, पूरा दिन घर में अकेली रहती हैं, चले आउटिंग हो जाएगी। हाँ वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चार दीवारी देख देखे ना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ, खबरदार जो अकेले गए हो तुम लोग। और सुनो खाला अम्मा को कह दो जब भूख लगे तो खाना गर्म करके खा ले। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, देर भी हो सकती, वापसी में कहीं अच्छी जगह खाना खा लेंगे। ये ठीक है, मैं भी बोल कर आती हूँ। सब रख लिया ना मैंने, कितनी देर लगाएंगे ये लोग।
लगा दे। अरे माशाल्लाह हमारी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू दादी। अच्छा दादी हम दोनों बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर हो जाएगी आने में, और मैंने अभी अभी किचन देखा, कुछ भी खाने के लिए नहीं बना हुआ, तो आज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करूँ बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ पकाऊंगी, मैंने तो आज तक पकाया भी नहीं। दादी प्लीज, अम्मी की वजह से हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अब प्लीज आप ये सब मत करें। अब अच्छा एक काम करें, आप थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर लें, हम वापसी में आपके लिए कुछ ले आएंगे, ठीक है? अच्छा ओके बाय दादी। जब तक मेरे पेट में कुछ नहीं चला जाता था, सभी कुछ नहीं खाती थी, कितना ख्याल रखती थी वो मेरा, मैंने उसे गलत समझा, हमेशा मलिया और मतिया को उस पर फौकियत दी, मैंने बड़ी गलती की, सबीन जैसे तो कोई दूसरी है ही नहीं, मेरी सबीन की तरफ कोई भी नहीं। सबीन, 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 सबीन। जी मम्मी। मेरी अलमारी से हीरे का हार चुराया? क्या, कौन सा हार? वही जो तुमने मेरी अलमारी से चोरी किया। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप, मैंने चोरी नहीं की, और मैं आपकी अलमारी से क्यों कुछ उठाऊंगी? देखो झूठ क्यों बोल रही हो तुम, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं। तुम्हारे घर वालों ने इसीलिए भेजा है ना, यही करने के लिए यहाँ पे। बताओ कहाँ है मेरा हार, बताओ। ये क्या कर रही हैं आप, मैंने कोई चोरी नहीं की, और मैं इस घर की बहू हूँ, मैं अपने ही घर में भला क्यों चोरी करूंगी? अरे क्यों झूठ बोले जा रही हो तुम, मुस्तकिल झूठ बोले जा रही हो, जानती भी हो कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, कितनी मोहब्बत से बना के दिया था मुझे। बताओ बताओ मुझे कहाँ छुपाया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, बताओ। मम्मी छोड़े मुझे, बताओ कर रही आप, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या तमाशा लगाया हुआ आप लोगों ने? खयाम बेटा देखो, देखो सभी ने क्या किया, अपने घर में चोरी कर ली इसने, बेटा मेरा कीमती हार चुरा लिया इसने, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो इस घर में चोरी के इल्जाम भी लगेंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की मम्मी, मैं आपको कितनी बार कहूँ मुझे उस हार के बारे में नहीं पता, आप खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। खयाम हार मेरा इसी ने चुराया है, ये झूठी है, पता नहीं कौन सा मनहूस वक्त था जो इसकी शादी मैंने खुर्रम से करा दी, अब बेटा तुम ही फैसला करो कि ये झूठी है कि मैं। ये कौन होते हैं सही और गलत का फैसला करने वाले, मैंने कह दिया ना कि मैंने चोरी नहीं की तो नहीं की, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हैं। देखा तुमने, देखा तुमने तुमसे किस तरह बात करके गई है, यही मेरे सुबह से कमरे में थी, थोड़ी देर बाद हार गायब हो गए, अब बेटा तुम ही फैसला करो कि ये सच्ची है कि नहीं। हाँ मैं आपको दूसरा हार बनवा दूंगा, और यार किसने चुराया वो भी पता चला लूंगा। क्या मतलब बेटा, किसने क्या चुराया उसी ने चुराया, तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा? ऐसी बात नहीं है, आपके पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है कि हार सबीन ने चुराया, तो आप बिला वजह उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और जब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपको एक नया हार बना दूंगा तो आप प्लीज चुप कर जाए बस। मम्मी अलमारी में तो मैंने रखा था अपना हार, यहां नहीं है तो कहां गया,
और अगर सबीन ने नहीं लिया तो ख्याम सही तो कह रहा था कि सबीन के खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। किसने ले लिया मेरा हार? जिसने भी लिया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा भी मैंने चोरी नहीं की। मम्मी को अचानक पता नहीं क्या हो गया, मेरे इतना खिलाफ क्यों हो गई है वो। मैं जानती हूँ तुम ऐसा हर किस नहीं कर सकती हो। मुनीरा को गलत फहमी हो रही है, या तो उसने वो हार बेच दिया है या किसी को दे दिया। मुझे तो यही लगता है कि खयाम से पैसे हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया है, क्योंकि वो ऐसा कर चुकी है पहले भी। कि मीना भी, मम्मी ने अगर खुरम को ये सब बता दिया, खुरम मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे, और अगर मम्मी के कहने पे खुरम ने मुझे छोड़ दिया तो। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। खुरम तुमसे बहुत प्यार करता है। जब वो यहाँ था तो मैंने देखा था, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा था। वो मुनीरा के कहने पर कभी तुम्हें तलाक नहीं देगा। मीना भी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। दिन ब दिन मेरे अपने ही रिश्ते मुझसे खफा होते जा रहे हैं। बेटा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मीना भी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सब्र का एक एक कतरा कितना मुश्किल है। बचपन से सब्र का खून पी पी के थक चुकी हूँ मैं। शादी से पहले मुझे बात बात पर मेरी ही बहनों के सामने जलील किया जाता था, और मेरे अब्बू की इज्जत को मेरी खुशियों के सामने रोन दिया जाता था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मम्मी के दिल में जगह नहीं बना पाई। मैं तुम्हारे दर्द से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम इस तरह रोया न कर। बेटा वक्त जो होता है दर्द का बड़ा भरा होता है। तुम देखना खुरम आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। हो गया, मुझे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। भूख कितनी लगी है, कुछ खा लेते हैं। तुम लोग कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ खा लेंगे फिर शॉपिंग करो। अम्मी लेकिन अभी तो एक दो और चीजें लेनी थी पहले। मदिया, अम्मी को खाना खिलाना ही पड़ेगा, वरना ये चैन से हमें शॉपिंग नहीं करने देगी। अच्छा चले चले, फूड कोर्ट चलते हैं। वाओ राफे, थैंक यू सो मच फॉर दिस यम्मी ट्रीट। वेलकम एनी टाइम बेबी। और वैसे भी ये ट्रीट तो मुझे देनी थी, मुझ पर ड्यू जो थी। और तुम उस दिन इतनी बहादुरी के साथ इतनी रात को मुझसे मिलने भी आ गई थी, वो भी अपने नेम से खयाम भाई से घर पे होते हुए। राफे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना यार, तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो मेरे बड़े भाई हैं। अब उनसे थोड़ा बहुत डरना तो मेरा बनता ही है ना। नहीं खैर, तुम क्या अंडरस्टैंड करो, तुम तो तब अंडरस्टैंड करते अगर तुम्हारा अपना कोई बड़ा भाई होता। मेहरीन, मेरी जिंदगी में कोई और होना हो, लेकिन तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। यू आर राइट, तुम्हारी ये बातें सुनते सुनते इतना अरसा हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए कब भेजोगे। मेहरीन, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब तक डैडी कनाडा से वापस नहीं आ जाते मैं मम्मी से रिश्ते की बात नहीं कर सकता। और तुम देखना, डैडी जैसे ही कनाडा से वापस आएंगे हमारी शादी यूं हो जाएगी। यूं उसके बाद हम दोनों कनाडा में रहेंगे ना राफे? Of course, yeah, why not? After all, हमारा future Canada में ही है ना। सोचो राफे कितना मजा आएगा। बहुत ज़्यादा, आप देखते होंगे या खाओगी भी। अल्लाह मियाँ, क्या मुश्किल है, अभी तक नहीं है। इतनी भूख लग रही है मुझे।
पता नहीं कुछ पका के भी गई कि नहीं। या अल्लाह, ऐसी फूहड़ मां बेटियां कमबख्त मारी, एक सालन तक नहीं पका के गई, ये खरीद कर रख ले, रोटी नहीं है। क्या मुश्किल है, क्या करूं, इतनी भूख लगी है अल्लाह मियां। कमाएंगे क्या करें।